चाय बनी है। अरे बनेगी कैसे, नहीं चुनावी चाय जो है, कल कल हमारा गला खराब हो गया था, तब से चीनी की जगह नमक डालकर चाय पी रहे हैं भैया। वैसे नमक से याद आया, चुनावों का स्वाद दिन भर दिन बदलता जा रहा है, कभी नमकीन कभी मीठा, कभी तीखा तो कभी कड़वा। नेता अभिनेता बन रहे हैं और अभिनेता निमिता बन रहे हैं। उर्मिला हेमा सनी पाजी के बाद अब प्रचार में एंट्री मारी है अपने मुन्ना भाई ने, वो भी एकदम फिल्मी स्टाइल में। और तो और प्रचार में उनको गांधी जी भी मिल गए। अरे वो वाले गांधी जी ने भैया, अपने बापू, देखिए जरा, देखिए तो। कांग्रेस पार्टी और दत्त परिवार का साथ ऐसा है जैसे मुन्ना और सर्किट का। सीनियर दत्त साहब के बाद संजू बाबा की बहन प्रिया दत्त भी कांग्रेस से सांसद रही और इस बार भी मुंबई से चुनाव लड़ रही हैं और उनके प्रचार की कमान संभाली है भाई ने, अरे अपने मुन्ना भाई। जो मांग रहे हैं अपने ही स्टाइल में वोट। भाई के नाते मैं हमेशा ही सपोर्ट करूंगा उन्हें और वही करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि प्रिया जीते। मुन्ना भाई यारों के यार हैं, इसलिए सिर्फ बहन के लिए ही नहीं बल्कि दोस्तों के लिए भी प्रचार करने पहुंच गए। लेकिन ये क्या, प्रचार के लिए मुन्ना अकेले नहीं आए थे बल्कि उनके साथ तो थे बापू, यानी अपने गांधी बाबा। नवजोत भाई, मैं हूँ अभी इधर किधर बापू जी के रहे हैं। देखा क्या नहीं भाई, अरे हाँ बापू क्या बोला, हाँ कॉफी जीते का बापू मिली भी जीते का बापू जीतेगी, टेंशन नहीं लेने का बापू। ये क्या माजरा है भाई, क्या सच में ही मुन्ना को बापू दिख रहा है क्या, सॉरी सॉरी दिख रहे हैं, या फिर ये कोई केमिकल लोचा है? सिंपल है, अब लोचा वोचा चाहे जो भी, अपने मुन्ना भाई का अंदाज है तो सबसे हटकर, तभी तो उनका चुनावी अवतार भी मचा रहा है धमाल। वैसे भैया स्टाइल तो अनोखा अपने मामा का भी है, अरे अपने शिवराज मामा। भैया आजकल मामा ऐसे फॉर्म में है, ऐसे फॉर्म में है कि बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा रखे हैं। जिस सभा में मामा बोलने के लिए खड़े होते हैं वह ऐसा जलवा बिखेरते हैं कि बड़े से बड़े बयान बहादुर भी शर्मा जाए, और डायलॉग तो ऐसे ऐसे मारते हैं बड़े से बड़े अभिनेता फेल कर रखे हैं। जरा सुनिए मामा के बेबाक बोल। राहुल गांधी ऐसे हंसने बच्चे हैं कि जब मम्मी के हाथ जाते हैं और वो थप्पड़ मारती है तो कहते नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा। मामा ओ मामा ओ मामा मामा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा। भैया चुनावों का असली मजा तो मामा ले रहे हैं, मामा का जैसे बेबाक रूप चुनाव प्रचार में दिखने को मिल रहा है ऐसा तो कभी नहीं दिखा। मामा ना तो किसी से डरते हैं ना घबराते हैं, जो मन में आता है बस कह जाते हैं, और जब मामा रंग में हो तो फिर बाकी सब पानी कम हो जाते हैं। देखिए जब मामा मजाक के अंदाज में होते हैं तो कैसे भाषण देते हैं। हमें बना दो मेरे पाँव में घुंघरू बता दो तो फिर मेरी चाल देखना, हमें प्रधानमंत्री बना दो, ये आगे तो क्या होगा देश को, बनेगा कौन? सोमवार को मायावती, मंगलवार को अखिलेश यादव, बुधवार को ममता दीदी, गुरुवार को देवेगौड़ा, शुक्रवार को चंद्रा बाबू, शनिवार को राहुल बाबा, बुधवार को छुट्टी। और जब मामू का अंदाज गुस्से भरा हो वो हो जाते हैं एंग्री यंग मैन, सॉरी एंग्री ओल्ड मैन। कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे, तब तेरा क्या होगा,
और कभी कभी मामा भूतकाल में भी चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उनका चुटीला अंदाज जमकर तालियां बटोरता है। बिजली जा रही है, जब जब बिजली जाएगी मामा याद आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब बिजली हमने घर घर में लगवा दी, लेकिन बिजली रोज जा रही है। और कमलनाथ बिजली के लोगों पर गुस्सा होते हुए कहते हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। खैर कुछ भी कहिए, मामा है बहुत फन्नी। जब जहाँ जैसे हालात होते हैं मामा का भाषण वैसे ही हो जाता है। राजनीति वाजनीति चुनाव मुनाव को अलग रखिएगा, तब समझ में आएगी मामा की गहराई। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी तो जनरेटर साथ लेके घूम रहे हैं आजकल, उस जमाने में इन्वर्टर चलते थे। कमलनाथ जी ने दिग्विजय जी के हाथ में जनरेटर पकड़ा दिया कि जाओ सभा करो, तो जनरेटर के सहारे ही सभा करना। क्या गिनता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राहुल गांधी ऐसे हतले बच्चे हैं कि जब मम्मी के हाथ में जाते हैं और वो थप्पड़ मारती है तो कहते नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा। मामा ओ मामा ओ मामा 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 लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा। वैसे भैया बिजली वाली बात मामा ने कही बहुत सोच समझ कर है। मध्य प्रदेश आजकल बिजली गुल होने से बेहद परेशान है। आम जनता को तो छोड़िए, अपने दिग्गी राजा और साहिबे सरकार कमलनाथ का भी हाल बेहाल है। यकीन नहीं होता ना, तो देखिए कैसे बिजली ढा रही है सितम। जो भाजपा के कुछ लोग विद्युत मंडल में है, बिजली घरों में है, वो खुद ही बिजली बंद कर देते हैं और कहते हैं देखो कांग्रेस आई और बिजली गई। दिग्विजय सिंह को गुस्सा आ गया है भैया, पता है किस पर? बिजली विभाग पर। असल में दिग्गी राजा गए तो थे चुनावी सभा में प्रचार करने, लेकिन गर्मी में उनका पारा भी सिर पर चढ़ गया और उन्हें आ गया गुस्सा। इतना गुस्सा कि उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों को ही जेल भेजने की धमकी दे दी। मैं उनको चेतावनी दे देता हूँ, अगर कोई भी बिजली का कर्मचारी बिना बताए उसने बिजली बंद की तो उसको जेल के अंदर भेजा जाएगा। लेकिन लगता है कि बिजली विभाग भी दिग्गी राजा से कुछ पुराना हिसाब चुकता करने में लगा है। अब की बार तो उनकी सभा के बीच में ही लाइट कट गई। बस फिर क्या था, राजा जी का गुस्सा सातवें आसमान पर और उन्होंने फोन घुमा दिया सीधा बिजली विभाग के इंजीनियर को। जी चौहान साहब नमस्कार, आप अब हमारा मोबाइल माइक उस पर है आप। मैं यहाँ पे 2 बार मीटिंग हो गई मेरी, जहाँ मैं जा रहा हूँ बिजली कट रही है। क्या शेड्यूल कट है क्या? बट कट नहीं है तो यहाँ बिजली कट कैसे रही है फिर? अरे इन्वेस्टिगेशन तो आप करेंगे, लेकिन आपके नीचे के लोग सब गड़बड़ कर रहे हैं, उनके आप क्या नियंत्रण कर रहे हैं आप? ये एई साहब भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। 132 बंद हुई है, 132 से बंद हुई है, आप कह रहे हैं कट नहीं है, कैसे बंद हुई 132 से? है ना जबरदस्त बात, जिनकी सरकार है उनकी ही पत्ती गुल है। और तो और सरकार के मुखिया भी बिजली गुल होने से परेशान है, है ना भैया? अजब एमपी की गजब बात, सीएम साहब छिंदवाड़ा में मतदान करने पहुंचे तो बिजली ही गुल मिली। अंधेरे में बेचारे सीएम साहब ने वोट डाला, लेकिन किसी से क्या कहें, अपनी सरकार अपना बिजली विभाग और अपना ही इलाका, अब कैसे अपने आप को डांटे और किस पर खींच निकाले। सच में भैया गर्मी के तो बुरे हाल है, बिजली के बिना हमारे तो आंसू ही निकल पड़े हैं। लेकिन हम अकेले नहीं हैं आंसू बहाने वाले, हमारे साथ एक और हैं जो जब मौका मिलता है आंसुओं की झड़ी लगा देती हैं। अरे समझे नहीं, अपनी साध्वी जी भोपाल वाली। साध्वी जब से राजनीति में आई है बस रोती ही रहती है। किसी ने कुछ कहा तो रो दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो रो दी, और तो और उमा भारती से मिलकर भी रो दी। अब तो भोपाल में सब कहने लगे हैं कि भैया ये साध्वी रोती बहुत है। दिल सबका
तपता होता है भावनाएं भी तपती होती हैं। अब चाहे आम आदमी हो या फिर साधु सन्यासी, अब अपनी साध्वी जी को ही ले लो। हर कोई उन्हें भोपाल से बीजेपी की मजबूत प्रत्याशी बता रहा है, लेकिन मजबूत साध्वी के दिल में भी है ढेर सारा इमोशन। और अपने इन्हीं इमोशन की वजह से साध्वी जब तब आंसू बहा देती है। भोपाल से प्रत्याशी बनते ही साध्वी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप पीती सुनाते हुए साध्वी के आंसू झलक आए। मां कसम, हमें भी रोना आ ही गया, हम भी हो गए इमोशनल। लेकिन अभी साध्वी को रोए कुछ ही दिन हुए थे कि उमा भारती ने साध्वी पर कर दी ऐसी चोट कि फिर बह निकले साध्वी के आंसू। वो तो एक महान संत है, मेरी उनसे तुलना ही नहीं करी, मैं तो बहुत ही साधारण मूर्ख किस्म का प्राणी हूँ। बस साध्वी को उमा की नाराजगी की खबर जैसे ही मिली, वो चल पड़ी उमा दीदी से मिलने। उसके बाद जो हुआ बस पूछो मत भैया। उमा से गले मिलकर साध्वी जी ऐसी रोई कि बस भारतवर्ष में एक और नदी का निर्माण होते होते बचा। अब भैया हम तो कंफ्यूज आ गए हैं कि हम रोए कि नहीं। पता चला हम रो रो कर अपने आंसू लुटा दे और साध्वी जी कहीं और जाकर फिर से रो पड़ी। वैसे चुनावी मौसम में इमोशंस तो हावी होते ही हैं। अपने तैमूर बाबा के इमोशंस भी चुनाव के दिन हावी हो गए। मम्मी करीना के साथ तैमूर बाबा पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो बिफर पड़े, रो रो कर गंगा यमुना बहा दी। देखिए जरा खबरों के शहंशाह तैमूर बाबा का अंदाज तो देखिए, जिसे देखकर एक खास पार्टी के लोगों का मन बाग बाग हो गया। छोटे नवाब के छोटे से साहबजादे तैमूर बाबा कैमरे के फेवरेट हैं, और अब तो लगता है कि उन्हें भी पता चल गया है कि उनकी किस हरकत से खबर बन सकती है और किससे उनकी तस्वीर सुपरहिट हो सकती है। मम्मी करीना पहुंची थी मतदान करने और मतदान के बाद खिंचवा रही थी तस्वीरें। इसी बीच तैमूर बाबा ने रोना शुरू कर दिया, रोना भी ऐसा वैसा नहीं, गला फाड़ फाड़ कर। बस फिर क्या था, मीडिया के मोस्ट फेवरेट तैमूर बाबा रोए और मीडिया हरकत में ना आए, तुरंत कैमरे तैमूर मियां की तरफ घूम गए। खैर तैमूर मियां तो थोड़ी देर में चुप हो गए, लेकिन कैमरे में कैद हो गई कुछ ऐसी तस्वीरें जिनसे एक खास पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर मजे लिए। देखिए जरा ध्यान से तैमूर मियां की ड्रेस को, कुछ याद आया? अरे भैया ये तो एक राजनीतिक पार्टी के झंडे से मिलती जुलती ड्रेस है। बस तैमूर मियां की ये तस्वीर जैसे ही बाहर आई, एक बार फिर उनकी चर्चा चल निकली। है ना तैमूर मियां, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कुछ भी कहो, इस बार के चुनाव है बहुत एक्शन से भरपूर। हाँ भैया सच्ची, देखो जरा अपनी स्मृति ईरानी जी का जबरदस्त एक्शन। हुआ यूं कि अपनी स्मृति जी अमेठी पहुंची थी प्रचार के लिए, लेकिन वहां उन्हें मिली खेतों में आग लगने की खबर। बस फिर क्या था, लेके बजरंग बली का नाम, स्मृति जी कूद पड़ी आग बुझाने के लिए, मुंह पर बांधा कपड़ा, हाथ में उठाई पानी की बाल्टी और जुट गई आग बुझाने में। कभी इधर भागती कभी उधर भागती, एकदम किसी एक्शन फिल्म की तरह ही था। सच पूछो भैया, स्मृति जी ने काम तो अच्छा किया ही है, हालांकि दूसरी पार्टी वाले इसे स्टंट ही बता रहे हैं। वही मम्मी के प्रचार के लिए रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी, जा पहुंची सपेरों के मोहल्ले में, और लोगों ने देखा वो जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा। अरे भैया प्रियंका सपेरों से तो बात करते करते अचानक सांपों से खेलने लगी। चुनाव क्या ना कराए, प्रचार के लिए हर तरीका अपनाया जा रहा है, उधर अपनी साध्वी जी भजन में मगन। हाँ भैया चुनाव आयोग ने साध्वी के प्रचार पर 72 घंटे का बैन क्या लगाया, वो तो सीधे पहुंच गए मंदिर और खो गई भजन में, जमकर प्रभु का नाम लिया और बिना प्रचार के ही वोटरों को साध लिया।
मिटने वाले मिट जाए, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या जो बाधा बन कर आए, बह जाएंगे गिरि पर्वत कांपे भूमंडल सारा, ये पुण्य प्रवाह हमारा, ये पुण्य प्रवाह। अच्छा जी, अब हम तो चलते हैं, अभी आगे का चुनाव भी तो निपटाना है। चाची की चुनावी चाय और उसके साथ गर्मा गर्म खबर के लिए इंतजार कीजिएगा अगले रविवार का। लेकिन जाने से पहले सुनिए छोटे मियाँ का ये जबरदस्त रैप। मोदी फिर से नहीं आएगा, कौन बोला? अरे हम बोला मोदी फिर से आएगा, खाया ना खाएगा, देश को बचाएगा, फिर से मोदी आएगा, फिर से मोदी आएगा। क्यों? क्योंकि देश की आन मोदी, देश की आसान मोदी, गरीबों की जान मोदी, हीरो की अखान मोदी, आंधी में तूफान मोदी, गुरुओं की वाणी मोदी, गंगा का है पानी मोदी, राणा की कहानी मोदी, सेवा की जवानी मोदी, सेठ की दहार मोदी, सबको पहचान मोदी, सबसे आगे आएगा। अरे फिर से मोदी आएगा, राज कर जाएगा, फिर से मोदी आएगा, 14 में मोदी आया, 19 में भी आएगा, फिर से मोदी आएगा।